हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हम कैसे हैं? मजे में। अमेजिंग। यस। ओके, हम लोग इधर आ चुके हैं फेस्टिवल लैंड अजमान में वापस, तो आपको दिखाते हैं। इस आदमी को ये अपने मंडप के लिए सारी मंडप देख रहे हैं। yes. आपको इस मंडप पे शादी करनी है? yes. कौन सी चेयर आपको चाहिए कि आपको ऐसे सजावट चाहिए? मुझे सब चाहिए, मुझे सब का सब चाहिए। आई वांट एवरीथिंग। तो भाई आज हम ये सारी की सारी चीजें और स्पेशली ये वाला मंडप हम बुक कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस। पढ़िए कितनी मस्त मस्त प्यारी प्यारी सभी चीजें हैं यहाँ पे। बेड और ड्रेसिंग टेबल की सारी चीजें भी हैं, प्यारी सी क्यूट सी। કેમ છો મિત્રો? મજામાં? કોઈ વાત નહીં, મેં આઈ જાતા હું નહીં તો ફિર ને લોચા હો જાય। એક્ચ્યુઅલી ક્યા હે દોસ્તો, આજ હે ના બહોત સારા દિન થકાન મેં ગયા ઓર કામ મેં ગયા ઓર ફિર ઘર આયે તો દેખા કોઈ થા હી નહીં। ઉસકે બાદ હમારે પિતાજી ને તડકા મારા ઓર ઉસકે બાદ યે લોગ આયે એન્ડ સી किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है। हेलो, जम्मा आई जा भाई। आइए दिखाते हैं क्या खाने में है। यस। तमे चूं ले आई वाचो जमवानू? हमें फेस्टिवल लैंड गए थे, उधर से लगा कि अभी जाते जाते देर हो जाएगी, फिर डांट पड़ेगी, चलो खाना लेके जाते हैं साथ में। तो देखो और ये वो तड़का जो डैडी ने मार दिया, मिर्ची का संभारा और ये मिर्ची का सब्जी, रोटली के साथ ये मिर्ची की सब्जी। हाँ, देखिए इसमें ड्यू पी रही है ये आदमी, और यहाँ पे दो ग्लास और है। और ये मेरी प्लेट देखिए दोस्तों, कितना सारा मैं आज खाने वाला हूँ। हाय ब्रो। हाय, ये मेरी दाल है। आज भाई आज दिखाने में आपको आएगा कि ये दाल चावल कैसे खाते हैं मामा। तो नॉर्मली हम खाते खाते शूटिंग नहीं करते हैं, लेकिन आज खाते खाते शूटिंग करेंगे दिखाने के लिए। हाय अवनी, हाउ आर यू? तो खा लेना है। चल चल के थक गई है अवनी। आ जाइए खाने के लिए। यहाँ पे लगभग चाव हो गया है, ये देखिए। हम्म,
मामा आमा तो तुम्हारा पेट फाटी, मतलब आपका पेट फट जाता होगा ना इतने में तो फटी है आमा तो थोड़ा यार तो मैं तो अरे खाई शेयर कर सो अरे खाई कल सवेरे खाई इसमें से दो तीन टाइम खाएंगे ये इतना सारा कैसे खा रहे थे वाह दाल चावल खाना है तो ऐसे खाए भाई देखो मतलब चमची लिटरली डब्बे से मोटी है राजमा वाह आज देखिए काम सब हो गए हैं तालियां ताड़ी पड़ में तालियां बोला राड़िया नहीं बोला राइडो राइडो हाय मम्मी ये देखिए फ्रीज मोटा है और मम्मी छोटी है फ्रिज में घुस जाओ मॉम भाई ये तो आराम से समझ जाएगी बैठ जाओ अंदर जाके मैं हाँ वैसे भी ये जैसा दिखती वैसे है नहीं इसको बहुत गर्मी होती है फ्रिज में बैठ जाएगी तो आराम से इसमें समझ जाएगी मॉम सही बहुत सारे फोन तमें चू करो जी मैं ये प्लास्टिक की बैग जो है ना उसको इतनी बैग हो जाती है ओ हेलो हो जाती है फेंकनी पड़ती है रुको क्या कर रही है वो क्या हो क्या मैं वो तो ना चाहता तो आप भी तो नहीं तू बात तो था मैं वो ना वो भी रो वो ना वो भी रो वो भी रो वो तो उसे वो ना रो ऊपर रो ऊपर अलग एक माथा पटकाना था के नाम गोबो पर कल सुबह जाना है उधर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पता है यस तैयारी करके रखना मुझे लगा कल सुबह जाना है मेंटल असाइलम में इसको भर्ती करना है मैं मित्रों देखता हूँ कई बार लोग बहुत गुस्सा कर आओ तो आ तो आ तो मित्रों आप लोग बताओ आप लोग में से ज्यादा गुस्सा कितने लोग करते हो आप गुस्सा करती हो मॉम बिल्कुल नहीं कभी नहीं 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 ये ऐसा होता ना हाथ कोई बोलता ना ये रेखा आए इसकी है ये रेखा उसकी है तो एक गुड पामिस्ट होता है वो क्या करता है कि सब रेखा मिला के उसका कुछ निकालता है कि हाँ भाई ये दोनों मिलके ऐसा है तो हमारे भगवत गीता में भी लिखा है कि गुस्सा भी होना चाहिए प्रेम भी होना चाहिए सब होना चाहिए लेकिन सब मिला के होना चाहिए yes. मैं कितने लोग मैं देखता हूँ बेचारे वो खाना खा रहे हैं सेल्समैन है या परचेज में वो खाना खाते खाते वो फोन आता है मैनेजर का हाँ ये वो बेचारा खाना छोड़ के भागने का मैं पूछता हूँ क्या तो पहले 10 गाली देंगे उसके बाद बोलेंगे सारा कितना भी करो इसके लिए ये मैनेजर चिल्लाता ही है तो आप मुझे बताइए आप लोग कितना गुस्से वाले कौन कौन हो भाई जरा कमेंट करो ये मत सोचो कि मैं कुछ बोलूंगा आप लिखो तो सही बाकी बॉस मूवी का एक डायलॉग था अपने को बहुत पसंद अंगार मारे सीने में भी लगी है मेरे 10 आदमी मारे गए मैं उनके 20 को ठोकूंगा लेकिन मारे दिमाग का बॉइलिंग पॉइंट देख 0 का 0 है नहीं वो बात माँ एक मिनट मैंने डायलॉग याद करा दिया जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जावे हंसो इतना कि रोना कम पड़ जावे अपने अंदर के गुस्से को थूक दे और हंसते हंसते अपने दुश्मनों को फूंक दे ये हुई ना बात ज्ञानी महाराज लगन लाल जी की इधर चले सच बता किधर चली मम्मी के पास ये कृष्णा क्या कृष्णा ना बेटा हो ना क्या हो बेन जो है मानो
कुमार का फोन आ गया है तो वो बिजी है। तो आपने तमें तो कंटिन्यू करो पन। यस भाई एक्चुअली नहीं बताया, एक्चुअली लाखों करोड़ों साल हो गए हैं तो मम्मी आज एक सुंदर सा गीत गाने वाली है। लगन गीत कहने आवे शादी वाला सॉन्ग, वो भी जल्दी भाई ने मुझे अभी अभी याद दिया। हाँ और ये हमारा माइक सिस्टम इधर हो गया और मेरी मम्मी का फेवरेट है तो भाई ने बोला कि आज आप ये सॉन्ग। वाह मामा वाह, तालियां। आज इसने इतना दाल चावल खाया हुआ है कि लगन गीत सुनने तो दिल धाम के बैठी है। चलो गाल के बैठी है, धाम के बैठी है, सब कुछ करके बैठी है, सब कुछ संकल्प के बैठी है। मैं अभी शुरू कर ही दीजिए फिर। चलो नगर वेल जाए छे જાય છે પાછળ અમરો ડમરો ને ચારે વેદ સમરો કોણ છે તારા દાદા ને કોણ છે તારી માતા અને વળી કઈ બોલે ઉસકો ભી શાદી વાલા સોંગ આતા હૈ મામા કટ રહા હૈ પૂરા આ ગયા મેં ભી સોચ રહા હું ફિર શેર ઉઠ જાઉં નહીં મેરા તો ફૂટેજ હી નહીં આ રહા હેલો તો ગાવ મત લા માઈક તારુ પકડ બોલિવૂડ મે હોના ચાહિયે તુમકો બોલી તુમકો બોલિવૂડ મે હોના ચાહિયે તુમ્હારી લાઈફ વેસ્ટ હો ગઈ વાહ ઘટે તો ભાઈ આજે 2000 ના છૂટા ઘટે બાકી કઈ નો ઘટે આજે તો થોકડી ની થોકડી ઉડાડ દે એસી કમેન્ટ આપ કરતે રહો મેરે વાલે મિત્રો યસ મે આપકો નારાજ નહીં કરુંગા કભી બહોત લોગ બહોત અચ્છી અચ્છી કમેન્ટ કરતે હૈ મજા હી આ જાતા હૈ વાહ 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 ચલો ભાઈ ને એ તો એસે બોલ રહા હૈ લેકિન જો ભી લોગ કોઈ કોઈ તો 1000 તોપ કી સલામી દે રહે તો યે તો એ ભાઈ સબકો થેન્ક યુ ऐसे ही कमेंट एक एक आदमी हमारे घर का आपकी कमेंट देखते हैं कभी रिप्लाई नहीं होता है ये होता है वो होता है बट हमको पता है नहीं, हम नहीं, देखते रिप्लाई मैं मस्ट करती हूँ
आप मस्त करती हो, सबका रिप्लाई देती है। लेकिन हमें खुशी होती है कि आप सब हमको कमेंट करते हो, हमारी yes. सारे वीडियोस आप देखते हो, डिटेल्स में जाके देखते हो, आप इतना अपना टाइम हमें देते हो, तो थैंक यू सो मच। वाह यो वाह, अजी तुम्हारा चाहो को आवे से भाई। बापू को मावा खिलाओ और रुठ गए मूड में दुबई में मावा नहीं मिलता। मावा हमने 1990 में छोड़ दिया, बीएससी खत्म किया। अभी वो द्वारका वाला मावा को हम चाहने लगे हैं। जय द्वारका दी, जय द्वारका दी। ठीक है मित्रों, तो अभी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और मौज कीजिए भाई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।